प्रदेश के अमरोहा में अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार का सिर कलम करने वाली शबनम की खूनी दास्तां अब अंत के कगार पर है। अपने ही परिवार के 7 लोगों की कातिल शबनम की फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक ने यूं ही बरकरार नहीं रखी है। उसके खिलाफ पुलिस की तैयार केस डायरी पुख्ता सबूत बनी। उसे आज भी जो पढ़ता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल शबनम ने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर नृशंसता की सारी हदें पार कर दी थी। साल 2008 में 14-15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के अमरोहा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। यहां जिले के बावनखेड़ी गांव के मास्टर शौकत अली की बेटी शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 सदस्यों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। एमए पास शबनम उस समय गाँव के स्कूल में शिक्षा मित्र थी। मास्टर शौकत उसकी शादी किसी पढ़े लिखे लड़के से करना चाहते थे, लेकिन शबनम का दिल अपने गाँव के 8वीं पास सलीम पर आ चुका था। दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ा कि शबनम ने अपने घर वालों को नशे की दवाई देकर सलीम को हर रात घर पर बुलाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में दोनों ने परिवार को बाधा मानकर उन्हें खत्म करने की साजिश रची और फिर एक रात इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। 14 अप्रैल 2008 की रात को शबनम ने प्रेमी सलीम को घर बुलाया। इससे पहले उसने परिवार के सदस्यों को खाने में नींद की गोली मिलाकर सुला दिया था। उस दिन शबनम की फुफेरी बहन राबिया भी उसके घर आई हुई थी। सलीम कुल्हाड़ी लेकर आया था। इसके बाद शबनम ने सो रहे अपने माता पिता समेत एक एक कर सभी के सिर पकड़े और सलीम कुल्हाड़ी के एक ही वार से गर्दन काटता चला गया। महज 5 मिनट में 6 लोगों का कत्ल करने के बाद शबनम का 10 माह का भतीजा अर्श जिंदा बच गया। शबनम ने हमेशा के लिए जायदाद का वारिस खत्म करने की नीयत से खुद गला घोटकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सलीम ने अपने घर के सामने तालाब में खून से लथपथ कुल्हाड़ी फेंक दी और घर जाकर सो गया। लेकिन शबनम पूरी रात लाशों के बीच ही रही। सुबह होते ही उसने शोर मचा दिया कि उसके घर में बदमाश आ गए हैं। जब हल्ला सुनकर गांव वाले उसके घर पहुंचे तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। 10 महीने के बच्चे के शव के साथ शौकत अली और उसका पूरा परिवार कटे सिर के साथ जमीन पर पड़ा था। दिन निकलने तक ये मामला पूरे देश में छा गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती भी गाँव पहुँची थी। मामले की जाँच में घटना के हालात देखते हुए शबनम पर ही शक की सुई गई। इसके बाद घटना के 4th दिन पुलिस ने शबनम और सलीम को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। उनकी मोबाइल की कॉल डिटेल से सारा मामला साफ हो गया। दोनों ने बाद में कबूल किया कि हत्या की इस खौफनाक वारदात को उन्होंने ही अंजाम दिया था।